हेलो फ्रेंड्स, आशीष हियर फॉर सिंपल स्टूपिड टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप के जो वॉइस मैसेजेस आते हैं उसको सीक्रेटली सुन सकते हैं। तो कई बार होता है कि किसी ने मैसेज आपको भेजा और आप क्यूरियस है कि मेरे को ये वॉइस मैसेज सुनना है, लेकिन आप ये नहीं बताना चाहते कि आपने सुन लिया है। तो वो आप कैसे कर सकते हो? जनरली व्हाट्सएप में जैसे ही आप ऑडियो मैसेज रिसीव करते हो, एक तो वो कन्फर्मेशन जाता है कि आपने रीड किया है, दूसरा ये भी कन्फर्मेशन दिखाता है कि व्हाट्सएप मैसेज सुना है कि नहीं सुना, ऑडियो मैसेज सुना है कि नहीं सुना है। तो अगर आप ये दोनों अवॉइड करना चाहते हैं और सीक्रेटली सुनना चाहते हैं ताकि मे बी आप वेल प्रिपेयर्ड होकर आंसर दे पाएँ, तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? लेकिन शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे छोटे छोटे वीडियोज देखना चाहते हैं, तो मेक श्योर करिए कि सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएँ। आइए शुरू करते हैं। तो WhatsApp के जितने भी ऑडियो मैसेजेस हैं वो WhatsApp के एक फोल्डर में सेव होते हैं, जो कि हमारे फाइल एक्सप्लोरर के थ्रू भी आप कर सकते हो। बट यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे VLC ऐप। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आप VLC लॉन्च करिएगा। और जब VLC आप लॉन्च करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेस मिलता है इंटरनल मेमोरी, मूवीज़, व्हाट्सएप वीडियो वगैरह का। हम लोग को सुनना है ऑडियो, तो आप इंटरनल मेमोरी में जाइए और यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का फोल्डर मिलेगा लास्ट में। इसके अंदर जाइए और यहाँ पे आपको मीडिया करके एक फोल्डर मिलेगा, इसको टैप करिए। यहाँ पे एक लास्ट में फोल्डर है व्हाट्सएप वॉइस नोट्स। राजेश ने मेरे को एक मैसेज भेजा है, एक इमेज भी भेजा है, एक ऑडियो भेजा है, तो वो हम रीड करेंगे। तो आप व्हाट्सएप वॉइस नोट्स में जाइए और यहाँ पे जो सबसे लास्ट फोल्डर है इसमें लेटेस्ट आपका SMS होगा। ये आप देख सकते हैं ईयर और डेट के हिसाब से सेग्रीगेटेड है। तो आप इसमें जाइए और मेरे पास यहाँ पे फ़िलहाल एक ही ऑडियो मैसेज है जिसको कि मैं सुनूंगा। तो आप इसको टैप करिए तो व्हाट्सएप में मेरे को राजेश ने मैसेज भेजा है कि आप वीडियो रिकॉर्ड करो रेगुलरली, उसका रेगुलर इंस्ट्रक्शन रहता है। तो ये मैंने सुन लिया है यहाँ पर। मैं आपको फिर भी थोड़ा हाई करके सुना देता हूँ, तो वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ और सुनिए। वीडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो SSD और NT दोनों के लिए। तो ये ऑडियो है, तो ये मैंने सुन लिया है। लेकिन अब अगर मैं अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ और राजेश के फोल्डर पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 300 मैसेजेस हैं। तो मैं यहाँ जाऊँगा तो आप देख सकते हैं इसने एक ऑडियो मैसेज भेजा है, लेकिन ये अभी भी 100 है। ठीक है, अब मैं इसको प्ले करता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड करो, वीडियो SSD और NT दोनों के लिए। इस तरह से अब ये उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि मैंने देखा है, बट एक्चुअली में मैंने ऑलरेडी ये ऑडियो सुना हुआ है। तो अगर मुझे इसका जवाब देना है तो मैं बहुत स्मार्टली इसका जवाब दे सकता हूँ। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था कि व्हाट्सएप में आप सीक्रेटली वॉइस नोट्स कैसे यूज़ कर सकते हो। फिर बता देता हूँ, आपको यूज़ करना पड़ेगा VLC का ऐप, जो कि प्ले स्टोर में अवेलेबल है फ्री में। और जो ये वॉइस नोट्स का फोल्डर है, ये अवेलेबल है आपका इंटरनल मेमोरी में, व्हाट्सएप में, मीडिया में आपको जाना होगा, व्हाट्सएप वॉइस नोट्स, और उस फोल्डर में जाना पड़ेगा जो लेटेस्ट है आज के डेट के हिसाब से। और अगर कोई पुराना है तो आप पुराने में जाइए, तो वो सारे ऑडियो मैसेजेस आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ये सारा सेव करके रखता है कुछ टाइम तक, बाद में डिलीट करता है। तो अगर मान लीजिए कुछ ऐसा मैसेज जो आपको डिलीट करना है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और ताकि हम और भी ऐसे वीडियोज़ बना सकें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।